सच के साथ। पीएम मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 85वें संस्करण का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अनेक जानकारी की चर्चा के साथ आसाम क्षेत्र के गायक भूपेंद्र हजारी जी का चर्चा तथा आसाम के जंगलों के गैंडों की गत दिनों मृत एक बाघिन की चर्चा तथा शिक्षा के क्षेत्र में राजा महेंद्र सिंह जी का योगदान व बीएचयू के आईटी के लोगों का योगदान, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती व 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर नमन करते हुए तथा देश के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर चल रहे अमृत महोत्सव की चर्चा की। गीता मंदिर पर आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व काशी क्षेत्र अनूप जायसवाल, मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी छेदीलाल वर्मा, संचालन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा सोमनाथ विश्वकर्मा, धन्यवाद ओम प्रकाश यादव ने किया। मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 85वें संस्करण का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने हम सबको अनेक देश के चल रहे अमृत महोत्सव के बारे में, अनेक महापुरुषों के बारे में, सुदूर क्षेत्र में आसाम में कैसे एक लोकगीत गायक भूपेंद्र हजारिका जी के बारे में, जिनके नाम पर एक बहुत बड़ा वहाँ पुल भी बना हुआ है, भारत सरकार ने बनवाया है, तथा हमको एक बार पुनः वैक्सीनेशन स्वच्छता के लिए जागरूक करते हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है, विश्वविद्यालय के लिए अपना जमीन दिया और शिक्षा के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए भारत को शिक्षा के लिए जागरूक किया युवाओं को, और एक बार पुनः उन्होंने स्वच्छता, प्लास्टिक और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करते हुए हम सबको इस 85वें संस्करण में अनेक जानकारी की बातें बताई। सच के साथ।